खबर गाजीपुर से है, जहां आरटीआई मैदान में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन जिला प्रशासन के द्वारा आयोजित किया गया। आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम के मंडप में शहनाई के साथ 5 मुस्लिम जोड़ों ने निकाह कबूल किया। तो वहीं 343 जोड़े वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ एक दूसरे का साथ निभाने का वादा किया। वहीं मन से जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह ने वरवधु को आशीर्वाद दिया। जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि मंडप में बैठी सभी बेटियां मुख्यमंत्री जी की हैं, इन बेटियों को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं देना, बेटियों को तकलीफ हुई तो ससुर जी बुलडोजर चलाने में तनिक भी देर नहीं करेंगे। एक्चुअली मैंने भी मैडम से अभी यही बात की, क्योंकि बहुत सारे जोड़े सिंदूरदान नहीं करते, उनका मानना होता है कि वो घर पे जाके होता है ना कि बारात आएगी और फिर हम मुहूर्त के हिसाब से सिंदूरदान करेंगे, तो ऐसा सारे जोड़े नहीं करते हैं। जिनको शादी यहाँ पे ही ख़त्म करनी होती है वो यहाँ पे करके चले जाते हैं, बाकी लोग अपने घर पे भी जाके करते हैं, तो वो लाल सिंदूर लगाते हैं क्योंकि पीले सिंदूर का महत्व होता है कि वो शादी के दिन अपना मुहूर्त के हिसाब से। तो क्या माना जाए इस शादी में जो शामिल हो रहे हैं सरकारी धन को लेने के लिए शामिल हो रहे हैं या क्या? इस शादी में शामिल होने का मतलब यही है कि वो तो एक रिश्ते में बन चुके हैं, और क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सर्टिफिकेट दिया जा रहा है तो इससे कोई वो भाग नहीं सकते हैं। वो ठीक है, वो एक महीने में 15 दिन में जाके वो शादी कर लेंगे, ऐसा होता है और ये होता ही आ रहा है।